हेलो टेंथीज, तो करते हैं आज की क्लास शुरू क्योंकि आ गया आपका मैथ्स का गुरु। तो आज हम कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2 एज पर न्यू बुक एंड 1.3 एज पर ओल्ड एनसीईआरटी। आज की एक्सरसाइज हम करेंगे पहले, कॉन्सेप्ट सीखेंगे बाद में। आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक वर्ड बोल दूं बेटा, RATTA, रट्टा। इस एक्सरसाइज में आपको रट्टा ज्यादा मारना है और कॉन्सेप्ट कम समझना है, रियलिटी बता रहा हूं। अब क्या है, कैसे है, वो अब हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। प्रूव करना है √3 इरेशनल। एक पॉइंट पहले इंपॉर्टेंट सुनिए, सबसे पहले आपको इस एक्सरसाइज के अंदर बेटा पेशेंस चाहिए क्योंकि आपको समझ स्टार्टिंग में कम आएगा और आपको लगेगा कि कितना रट्टा कितना बोरिंग है, बट डेफिनेटली साल के एंड में आपको सबसे ज्यादा फेवरेट ये एक्सरसाइज होगी क्योंकि फ्री के दिसंबर है इसमें। तो क्या है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। हम आपको प्रूव करना है √3 एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि √3 एक रैशनल है। लेट अस अज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल। अब अगर √3 एक रैशनल है तो √3 किस फॉर्म में होगा, देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ PYQ, क्योंकि हमारे को पता है कि कोई भी रैशनल नंबर है PYQ की फॉर्म में होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 नहीं होगा, एंड P एंड Q आर को प्राइम्स। और P और Q क्या है बेटा, को प्राइम्स है। एक बार याद दिला दूं, को प्राइम क्या होता है, जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, जस्ट लाइक 2 एंड 3 कुछ भी कॉमन नहीं है, बट अगर मैं बोलूं 3 और 6 कॉमन है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। नाउ तो √3 किसके इक्वल हुआ, √3 इज इक्वल्स टू PYQ। अब क्या करना है, ध्यान से देखना बेटा, रट्टा मार स्टेप से पहले कह रहा हूं। सबसे पहला स्टेप 1, स्टेप टू इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम स्क्वायरिंग करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और PYQ का स्क्वायर P² / Q². अब Q² को मैं यहां भेजूंगा, तो ये क्या बना, 3Q² = P². इसका मतलब P² के जो फैक्टर्स है, यानी P² के जो वैल्यू है, वो 3Q² के इक्वल है। इसका मतलब P² 3 से डिविजिबल है, बिकॉज P² इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। मतलब अगर P² 3 से डिविजिबल है तो P भी 3 से डिविजिबल होगा। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है, आगे बताऊंगा। तो दोबारा एक बार PYQ लेट करना है, स्क्वायरिंग करनी है, Q को इस दर की तरफ भेजना है, P² 3Q² के इक्वल आया। अब लिखना है P² इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, स्टेप 3 क्या करेंगे, पुट करेंगे P की वैल्यू 3m, वेयर m इज सम इंटीजर। हम P की जगह 3m पुट करेंगे, करो 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3Q². 3m का स्क्वायर 9m² इज इक्वल्स टू 3Q². 3 इधर आएगा डिवाइड होने, यानी Q² की वैल्यू हो गई 3m². इसका मतलब Q² भी क्या हुआ, डिविजिबल हुआ 3 से, बिकॉज Q² इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। Q² भी 3 से डिविजिबल है, Q भी 3 से डिविजिबल होगा।
नाउ अब ध्यान से देखना, नाउ इट मींस बोथ पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाय थ्री. इसका मतलब P और Q दोनों के दोनों 3 से डिविजिबल है, यानी 3 क्या हो गया, 3 कॉमन फैक्टर हो गया P एंड Q का. बट वी नो दैट या बट वी नो की जगह हम लिखते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन दैट P and Q are co-primes. But हमने क्या assume करा था कि P और Q क्या है, co-prime यानी जिनके बीच कुछ भी common ना हो, पर दोनों के बीच क्या common है, 3 common है. It means our assumption is wrong. इसका मतलब हमारी assumption क्या है, wrong है. Hence रूट थ्री इज इरैशनल. इसका मतलब रूट थ्री इरैशनल है. एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो एंड इसी वे में क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करो राइट नाउ, वीडियो पॉज करके. आइए, प्रूफ दैट रूट फाइव इज इरैशनल. प्रूफ करना रूट फाइव इरैशनल है. सबसे पहला, लेट अस एज्यूम दैट रूट फाइव इज रैशनल. देयरफोर इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम्स. पी और क्यू क्या है बेटा, को प्राइम. अब रूट फाइव इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, यहां तो सबने कर लिया होगा. फिर से वो स्टेप क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. रूट फाइव का स्क्वायर पी बाई क्यू का होल स्क्वायर. रूट फाइव का स्क्वायर इज 5 और पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर. इस पर शिफ्ट करा फाइव क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर के इक्वल. नाउ बिकॉज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देयरफॉर पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा. तो क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे पी को 5m, वेयर m इज सम इंटीजर. m क्या है, इंटीजर है. 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर. 25m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर. कट गया. कितना आया, 5m स्क्वायर. q स्क्वायर की वैल्यू 5m स्क्वायर. अगेन वही, बिकॉज q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. Yeah, this contradict our assumption that P and Q are co-primes. ये क्या contradict करते हैं कि P और Q क्या है, co-primes है. It means
our assumption is wrong. It means our assumption is wrong. Hence, root 5 is irrational. अब कॉन्सेप्ट है क्या, एक बार ये समझा देते हैं. कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इफ पी इज अ प्राइम नंबर, मान लो पी एक प्राइम नंबर है, इफ पी इज अ प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी मान लो एक प्राइम नंबर है और पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी ऑल्सो डिवाइड्स पी, तो पी डिवाइड करेगा, पी ऑल्सो डिवाइड्स ए, सॉरी पी डिवाइड्स ए, तो पी डिवाइड करेगा ए को. मतलब अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखूं कि मान लो ए स्क्वायर डिविजिबल है, ए स्क्वायर डिविजिबल है पी से, यानी किसी नंबर से, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, और पी क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, तो ए भी क्या होगा, डिविजिबल होगा उस प्राइम नंबर से. अब ये था हमारा टाइप वन. क्या है, यहां पर सिर्फ आपको सिंगल डिजिट दे रखा होगा या सिंगल रूट का नंबर दे रखा होगा, कुछ नहीं बोला होगा. जैसे देखो रूट फाइव, रूट थ्री, ऐसे क्वेश्चन होंगे. अब आएगा टाइप टू, ये था टाइप वन, अब आएगा टाइप टू. टाइप टू क्या है, यहां पर आपको रूट वाले नंबर के अलावा कोई और नंबर भी दे रखा होगा, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि इरेशनल के साथ एक ना एक रैशनल भी दे रखा होगा, चाहे डिवाइड चाहे मल्टीप्लाई, कुछ भी फॉर्म में हो सकता है. अब देखो जैसा ये क्वेश्चन है कैसे होंगे, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल. प्रूव करना है 3 प्लस 2 रूट 5 इरेशनल है. हाउ, वही इसके स्टेप्स इजी है और ये ध्यान से देखना. सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल. 3 प्लस 2 रूट 5 रैशनल हो, देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा और क्यू 0 नहीं होगा, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, और पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम्स. 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू. ये था इसका स्टेप नंबर वन. स्टेप टू में क्या करना है, ध्यान से देखना, जब एक रैशनल और इरेशनल हो, यानी रूट के अलावा कोई और नंबर भी प्रेजेंट हो, ध्यान से देखो क्या करेंगे हम, रूट वाले के अलावा बाकी सारे नंबर को उधर शिफ्ट करेंगे. कैसे, मैंने सबसे पहले 3 को भेजा क्योंकि रूट 5 में को एक तरफ छोड़ना है. 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 3. एलसीएम लो, पी माइनस 3 क्यू अपॉन में क्यू लिया. अब 2 मल्टीप्लाई में, तो यहां आके डिवाइड, क्या करें, ये हो गया स्टेप नंबर टू. स्टेप वन, स्टेप टू यहां से कर लेते हैं. अब स्टेप थ्री क्या है, ध्यान से देखना, मैं क्या लिखूंगा, बिकॉज पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर्स है. नहीं सर, क्यू प्राइम्स है. बेटा रैशनल की डेफिनेशन में क्या होता था, रैशनल डेफिनेशन में यही तो होता था कि पी बाय क्यू, q is not equal to 0 and p and q are integers. तो को प्राइम और इंटीजर एक ही बात हो गई, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए. p and q are integers, p और q integers है. ध्यान से अब देखना क्या लिखेंगे,
therefore p minus 3q by 2q is a rational. यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू एक रैशनल नंबर है. बट वी नो द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल. बट हमारे को क्या पता है कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है. दिस कॉन्ट्रडिक्ट आवर अजम्पशन. यानी ये क्या करता है, हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है. दिस कॉन्ट्रडिक्ट आवर अजम्पशन. हेंस 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल. 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. तो यानी यहां पर क्या करना है हमारे को, कुछ नहीं करना. यहां तक तो कॉमन था स्टेप. यहां पर रूट वाले को एक तरफ रखने, बाकी सारे नंबर्स को उधर शिफ्ट करो और लास्ट में लिख दो बट वी नो द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल. रूट 7 और रूट 7 लिख देना, जोन सा नंबर बोले. इसी के ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल है. एग्जांपल नंबर 10 है ओल्ड बुक्स. एग्जांपल 6 न्यू बुक्स. शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल. आप लोग ये क्वेश्चन करें तब तक वीडियो पॉज करके, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं. Let us assume that 5 minus root 3 is a rational number. Therefore, it is in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are coprimes. फाइव माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू. अब क्या करना है, रूट थ्री को एक तरफ रखना है. कैसे करूं, सबसे बेस्ट तरीका, रूट थ्री यहां पर नेगेटिव है तो क्या करो, एक काम करो, रूट थ्री को यहां भेजो, इसको यहां भेज दो. फाइव माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट थ्री. दोबारा बोल रहा हूं, हमारे को रूट वाला नंबर ही एक तरफ रखना है और पॉजिटिव रखना है. तो मैंने रूट थ्री को यहां भेजा, पी बाई क्यू को यहां भेज दिया. अब एलसीएम लो, 5q माइनस p अपॉन में q इज इक्वल टू रूट थ्री. रूट थ्री इज इक्वल टू 5q माइनस p अपॉन में q. अगेन वही स्टेप, बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स. p और q क्या है, इंटीजर्स है. देयरफॉर 5q माइनस p अपॉन में q इज अ रैशनल. तो 5q माइनस p अपॉन में q क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ. बट वी नो द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल. पर हमारे को क्या पता है, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है. This contradict our assumption hence 5 minus root 3 is irrational. अब इसका सिर्फ एक क्वेश्चन को कराना है. एक्चुअली कराना भी क्या है, उसमें एक पॉइंट समझाना है बट कराऊंगा पूरा ही. वो है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, बाकी दोनों आप कर लेंगे इजली. वन बाय रूट टू का, लेट अस एज्यूम दैट ये काम करते हैं. इससे पहले ना मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं इसको इजी करने का. 1 बाई रूट टू है, इस बार रूट का है डिनोमिनेटर में. अगर रूट डिनोमिनेटर में हो तो हम क्या करते थे,
हम रैशनलाइज करते थे, वन बाय रूट टू इंटू रूट टू बाय रूट टू, क्या बना रूट टू बाय टू। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि रूट टू बाय टू मेरा एक इरेशनल नंबर है, तो ऑटोमेटिकली वन बाय रूट टू भी इरेशनल हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो। लेट अस एज्यूम दैट रूट टू बाय टू इज इरेशनल, देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q is not equal to 0, and p and q are coprimes. अब root 2 by 2 is equal to p by q. क्या करना है, root वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो 2 को इधर shift कर दो, root 2 is equal to 2p by q, because p and q are integers, therefore 2p by q is a rational. But we know the fact that root 2 is irrational. This contradicts this contradict our assumption hence root 2 by 2 is irrational therefore 1 by root 2 is also irrational बेटा वही स्टेप से क्या करा हमने 2 को इधर शिफ्ट कर दिया रूट टू एक तरफ बचा लिया फिर ये बोला ये रैशनल है यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं एक्चुअल में कि राइट साइड में रैशनल है लेफ्ट साइड में इरेशनल है खुद बताओ क्या पॉसिबल हो सकता है कि इरेशनल और रैशनल इक्वल हो जाए नहीं तो यही बात यहाँ पे लिखे कि रूट टू अगर इरेशनल है इसका मतलब हमारी अजम्पशन ही गलत थी अजम्पशन गलत है तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ एक इरेशनल नंबर। ये था आपका चैप्टर नंबर 1। तो अगर आपको समझ आया और अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।